हेलो दोस्तों, आज का विषय है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। जब व्यक्ति को उसके जीवन का लक्ष्य पता होता है तो वो अपने लक्ष्य से भटके बिना जीवन में उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जीवन लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको इस जीवन की समाप्ति के बाद भी लाभ पहुंचाए। हर व्यक्ति के दिमाग में भी यह सवाल जरूर आता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर वो अपने आसपास के लोगों को देखकर अपने जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य बना लेते हैं, जैसे नौकरी, बड़ा घर, जमीन, जायदाद, इज्जत, मान सम्मान आदि को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी बातों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने से मना किया है। हालांकि इन सभी चीजों को भी अपने जीवन में हासिल करना चाहिए, लेकिन इन्हें कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में अंत में व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। सांसारिक वस्तुएं आप कितनी भी इकट्ठा कर लें, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। बिना अच्छे कर्म किए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष का अर्थ क्या है? हिंदू धर्म में मान्यता है कि पृथ्वी पर लाख प्रकार के जीव जंतु विद्यमान है और व्यक्ति का उसके कर्म के आधार पर निर्णय होता है कि वो किस जीव जंतु के रूप में जन्म लेगा। इन लाख जन्मों में मानव जीवन सबसे अच्छा माना गया है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्म तथा उसके मन में सभी प्रकार की इच्छाओं खत्म होना चाहिए। मनुष्य जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला अर्थ, दूसरा काम, तीसरा धर्म और चौथा मोक्ष। प्रत्येक मनुष्य को इन चार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। चलिए अब इनके बारे में समझते हैं। अर्थ। अर्थ से तात्पर्य है जीवन में अपने और अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करना। प्रत्येक मनुष्य को ना केवल अपने सुखों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, अपितु अपने संतान, माता पिता, रिश्तेदार और जीव जंतु तथा पर्यावरण के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अर्थ कमाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन धन कमाने के लिए कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। अधर्म के साथ धन कमाना पाप है। काम। काम से तात्पर्य है सभी इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को सुखों का भोगना। काम के अंतर्गत आता है संगीत सुनना, स्वादिष्ट खाना पीना, नाटक, अच्छे वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, रहन सहन के साधन, शादी करना, सभी साधन आदि आते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि अपने काम की पूर्ति करना गलत नहीं है, लेकिन काम की पूर्ति करते समय धर्म और अर्थ का भी
ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, धर्म। दुनिया के सभी धर्मों का एक ही सार है, जियो और जीने दो। दुनिया के सभी धर्मों का एक ही सार है, जियो और जीने दो। दुनिया के सभी प्राणियों का यह निजी कर्तव्य है कि वे स्वयं के जीने की रक्षा करें, और लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखें कि अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन को कष्ट में ना डालें। चौथा, मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है व्यक्ति का जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। मोक्ष मिलने पर व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, लेकिन मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट होता है। यह सुख और शांति की परम सीमा है, जो कि मन की सभी इच्छाओं को खत्म होने के बाद ही मिलती है।